नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में आज मिले 4063 नए कोरोना मरीज, पटना में मिले 999 केस। पिछले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। आज बिहार में 4063 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहीं पटना में 999 नए केसेस मिले हैं। पिछले दिन की तुलना में आज केसेस कुछ कम हुए हैं। पिछले दिन को जहां बिहार में कुल 4551 मामले सामने आए थे, वहीं आज 4063 मामले मिले हैं। कल की तुलना में बिहार में 488 केसेस कम आए हैं। वहीं पटना में कल 1218 मामले थे, जो आज घटकर 999 हो गए हैं। कल की तुलना में 219 केसेस आज पटना में कम मिले हैं। वहीं बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस अब 30,481 हो गई है। एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। इससे पहले 33,883 एक्टिव केसेस दर्ज की गई थी। कोरोना टेस्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। बिहार में फिजिकल टीचर की 8,000 से ज्यादा पदों के लिए जल्द होगी बहाली, आगे जाने पूरी खबर। बिहार में फिजिकल टीचर के 8,000 से ज्यादा पदों के लिए जल्द बहाली होगी। राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 स्कूलों में एक एक शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की क्रिया शुरू हो गई है, जहां प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने मंगलवार को सभी 8,386 पद 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया है कि वे 24 जनवरी तक इन पदों को विद्यालयवार और नियोजन इकाईवार उप आवंटित करते हुए इसकी सूचना प्राथमिक निदेशालय को दे। इसको लेकर माना जा रहा है कि अब जल्द ही नियोजन का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। निदेशक ने साफ कर दिया है कि आरटीआई के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में 8,000 रुपये प्रति माह की नियत वेतन पर फिलहाल 8,386 स्कूलों में एक एक फिजिकल टीचर सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन्हें 200 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। डीईओ को कहा गया है कि वे पोस्टेड का उप आवंटन करते हुए अधिकतम नामांकन वाले स्कूल को प्राथमिकता देते हुए नामांकन के घटते क्रम में करेंगे। जिन मिडिल स्कूल में पहले से फिजिकल टीचर पोस्टेड हैं, वहां पद आवंटित नहीं करेंगे। अब बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े अधिकारियों और आमीनों का एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही मिलेगा वेतन। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े अधिकारियों और आमीनों का एड्रेस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर उनकी तरफ से दिया गया पता गलत निकला तो केस भी दर्ज होगा, साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई भी होगी। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने लापता अधिकारियों को लेकर इन दिनों परेशान है। यही वजह है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह ऐलान कर दिया है कि अगर अधिकारियों और कर्मचारियों का पता सही नहीं पाया गया तो उन्हें वेतन भी नहीं मिलेगा। दरअसल जहानाबाद और अरवल जिले में विशेष सर्वेक्षण सहायक के बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो के साथ साथ आमीन अपनी ड्यूटी से गायब पाए जाते हैं। इस वजह से जमीन सर्वे का काम बेहद सुस्त गति से चल रहा है। इन दोनों जिलों के पदाधिकारियों और कर्मियों के पते की वास्तविक जांच कराने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर एड्रेस वेरिफिकेशन कराया जाए, और ड्यूटी से गायब कर्मियों के बारे में अगर जानकारी नहीं मिलती है तो इस बाबत मुख्यालय को बताते हुए FIR दर्ज कराया जाए। साथ ही साथ अपने पते पर रहने वाले कर्मियों को ही वेतन का भुगतान करने का निर्देश विभागीय पर मुख्य सचिव ने दिया है। विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि बंदोबस्त पदाधिकारी लगातार शिविरों का भ्रमण करें और सर्वे कर्मियों के कार्यों की समीक्षा करें, इससे कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब शराबबंदी में लापरवाही भारी पड़ेगी, लोक अभियोजक नपेंगे। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून को जमीन पर उतारने में हो रही परेशानी और इसे लेकर न्यायालयों में हो रही फजीहत के बीच राज्य सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। शराबबंदी से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले विशेष लोक अभियोजकों पर अब कार्रवाई करने की तैयारी है। मामला कटिहार और सुपौल के विशेष लोक अभियोजकों से जुड़ा हुआ है। यहां शराबबंदी से जुड़े केसों के निपटारे में लापरवाही को देखते हुए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने लोक अभियोजकों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। बुधवार को के पाठक के पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के सभी लोक अभियोजकों के साथ शराबबंदी से जुड़े केसों की समीक्षा की। कटिहार और सुपौल में केसों की सुनवाई को लेकर उदासीनता बढ़ते जाने के मामले में उन्होंने नाराजगी जताते हुए दोनों जिलों के विशेष लोक अभियोजकों पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है।
तीसरी लहर में आगे कैसी होगी पाबंदियां, बिहार सीएमजी की बैठक में आज होगा फैसला। कोरोना की तीसरी लहर से अब तक बिहार को पूरी तरीके से राहत नहीं मिल पाई है, ऐसे में तीसरी लहर के बीच पाबंदियां आगे कैसी हो, इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। आज दोपहर सीएमजी की बैठक होगी। बैठक में 21 जनवरी के बाद की पाबंदियों पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। सीएमजी की बैठक के पहले राज्य के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम जिलों से फीडबैक लिया है और इसी फीडबैक के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमजी की बैठक हुई थी, जिसमें संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई, लेकिन बुधवार को हुई बैठक में पाबंदियों को लेकर कोई नया फैसला नहीं किया गया। आपको बता दें कि राज्य में जो पाबंदियां फिलहाल लागू है उनकी मियाद 21 जनवरी को खत्म हो रही है, ऐसे में अब राज्य सरकार को नए सिरे से पाबंदियों को लेकर फैसला लेना होगा। बिहार के नवादा में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया, पहले भी हुई थी ऐसी घटना। बिहार के नवादा जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, इससे आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति है। असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को दूसरी दफे क्षतिग्रस्त किया है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये घटना नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नेमदारगंज बाजार में हुई है। नेमदारगंज बाजार में गोला दुर्गा मंडप के पास कई वर्षों से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, इसी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके बाद नेमदारगंज बाजार और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सीवान सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जिसे बेटी हुई उसे बेटा दे दिया गया, जिसने लड़के को जन्म दिया उसे बेटे का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। सीवान सदर अस्पताल में बच्चे की अदला बदली का मामला सामने आया है। अस्पताल से एक बच्चे के गायब होने के बाद हड़कंप मच गया, परिजनों ने इसे लेकर जमकर हंगामा मचाया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओ ने परिजनों को शांत कराया और पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज के गौर गांव निवासी अली अपनी पत्नी अफसाना को लेकर डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे। पहले से उनकी चार बेटियां हैं। मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे अफसाना ने एक लड़के को जन्म दिया था। बेटे के जन्म की खबर मिलते ही परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। चार बेटी के बाद बेटा होने की खुशी में अली खुद अपने हाथों से लोगों को मिठाई बांटने लगा, लेकिन तभी कुछ घंटे बाद इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और देखते ही देखते खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। शाम होते ही जब उन्हें सूचना दी गई कि अफसाना का बच्चा गायब हो गया है, इतना सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। तब पता चला कि इम्तियाज नाम का एक व्यक्ति बच्चे को ले गया है। जब अस्पताल से फोन किया गया तब बुधवार को इम्तियाज मरा हुआ बच्चा लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जबकि इम्तियाज की बेटी अभी भी अस्पताल में ही थी। इम्तियाज ने बताया कि अस्पताल से उसे बच्चे को लपेट कर दे दिया गया था। उसे नहीं पता था कि यह बेटा है या बेटी, क्योंकि वह इसे अपनी बेटी समझकर बाहर इलाज कराने चला गया था। इसके बाद उसे अस्पताल से फोन आया तो वह बच्चे को लेकर पहुंचा। मंगलवार की शाम ही बाहर दिखाया था, जहां बच्चे को मृत बताया गया। इस बात में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीओ सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच की बात कही। बिहार में शीतलहर का अलर्ट, 24 जनवरी के बाद मिलेगी राहत, वायरल मैसेज पर ध्यान न दे। जनवरी महीने की सर्दी बिहार के लोगों को अभी और सताने वाली है। बर्फीली हवाओं के कारण बिहार शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग में 24 जनवरी के बाद ही इसमें राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे जा चुका है और इसी कारण यहां कोल्ड डे कंडीशन बना हुआ है। ठंड की वजह से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बुधवार को भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहे और कई जिलों में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। बिहार के मिडिल स्कूल भवन में फर्जी बीएड संस्थान चलाए जाने का मामला, राज्य सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विद्या देवी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने
आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा है कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गई। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वास्तु स्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था के होने के बारे में अनभिज्ञता जताई है। इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है। बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा इंतजार। शिक्षा मंत्री बोले, पहले यह काम फिर ट्रांसफर। बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल दो साल पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो शिक्षक नियोजन के बाद अपना तबादला चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार इस फैसले पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है और अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विभाग की प्राथमिकता अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है। हम शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 2021 जून में शिक्षकों का तबादला का लक्ष्य रखा था। शिक्षकों के तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बना ली थी। शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। सॉफ्टवेयर का फाइनल ट्रायल होना बाकी है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।